माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। टुडे माय टॉपिक इज एमएस ऑफिस वर्ड 2016, लेक्चर नंबर 5। जी, इससे पहले 4 लेक्चर मैं आपको दे चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डेस्कटॉप स्क्रीन का थोड़ा सा इंट्रो दिया था और साथ ही साथ मैंने होम के फर्स्ट टैब जो है उसके 4 पार्ट्स आपको सिखा दिए थे। देन लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको होम कंप्लीट जो है वो सिखा दिया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको इंसर्ट शुरू करवाया और इंसर्ट के फर्स्ट 4 पार्ट बताए। और फिर मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में इंसर्ट कंप्लीट करवा दिया था। अब हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 यानी कि डिज़ाइन पर। आज के लेक्चर में मैं आपको डिज़ाइन के बारे में बताऊंगी और उसे आज मैं कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि ये छोटा सा टैब है और इसकी इतना मुश्किल नहीं है और बहुत मज़ेदार है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सीखने में मज़ा आएगा। और एक बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा हासिल करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करें। और अगर आपने कुछ भी मुझसे पूछना हो तो बिला झिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो आज का हमारा लेक्चर है डिज़ाइन। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है थीम्स। ये देखें, आज का हमारा लेक्चर है डिज़ाइन। उसके बाद हमारे पास आते हैं नीचे, ये इसके थीम। सबसे पहले नंबर 1 पे जो इसका ऑप्शन है वो है थीम, और ये हैं इसके टाइटल। ये देखें, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब देखिए मैंने थीम्स के क्लिक किया तो मेरे सामने ये मुख्तलिफ थीम्स आ गए। मैं यहाँ से जो भी क्लिक करूँगी वो उस थीम में कन्वर्ट होता जाएगा। ये देखें, ये फॉन्ट चेंज होता जा रहा है। देन हमारे पास आता है टाइटल। अभी ये वाला टाइटल सिलेक्ट हुआ है, ये देखें, अभी इस टाइम हमारे पास ये वाला टाइटल सिलेक्ट हुआ है। हम चाहते हैं तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, अभी हमारे पास ये वाला हुआ है, ये देखें, हम ये वाला भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, जब मैंने ये वाला अप्लाई किया तो उसका टाइटल चेंज हो गया, देन ये वाला किया तो इसका चेंज हो गया। मुख्तलिफ टाइटल्स हैं, ठीक है। ये देखें, फिर मैंने ये वाला किया तो ये इस कलर में हो गया, फिर इसमें हो गया, देन इसमें। ये देखें, इसके यहाँ से कलर चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी मैं कलर सेलेक्ट करूँगी वो यहाँ से थीम में से होता जाएगा कलर चेंज, ठीक है। देन मैं यहाँ से कलर पे क्लिक करूँगी तो यहाँ से भी कलर चेंज हो सकते हैं। जो भी आपको कलर सूटेबल लगे आप उसे कर सकते हैं। कस्टमाइज कलर्स में क्या होता है कि आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से कोई भी कलर आप, फॉर एग्जांपल मैं ये कर देती हूँ, उसके बाद ये कर दूँगी। देन ये मुख्तलिफ कलर्स आप कलर थीमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं सेव करूँगी तो यहाँ पे वो उस स्टाइल की कलर आ गए। ये देखें, जो मैंने बनाया था, क्रिएट किया था, ये देखें, ये उस स्टाइल के आ गए कलर्स हमारे पास। मैं कोई भी रख सकती हूँ, इस तरह का हो सकता है। देन हमारे पास आते हैं फॉन्ट्स। जैसे कि आपको सिखाया था होम में पहले कि आप अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसी तरह डिज़ाइन में भी आप अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये इस टाइम एरियल ऑफिस हुआ है, यहाँ पे मैं ऑफिस 7 कर सकती हूँ, कैरेबरी कर सकती हूँ। जब मैंने क्लिक किया तो वो देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। जी देखिए, जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए, बेसिक स्टाइल्स। जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये इस तरह के कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं, यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमने ये नहीं करने तो यहाँ पे और भी
ऑप्शन जैसे नो पैराग्राफ स्पेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारी पैराग्राफ की स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये चेंज होता जा रहा है पैराग्राफ का साइज, स्पेस बढ़ती जा रही है पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान। देन हमारे पास आती है ऑप्शन वाटरमार्क। जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में पेज के पीछे जो है वो आपको एक वाटरमार्क नज़र आता होगा इस तरह का। यहाँ पे ये अभी नज़र नहीं आ रहा, लाइट है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जब कस्टम, यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल और ये मुख्तलिफ वाटरमार्क्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये देखें ये वाले वाटरमार्क्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पहले से बिल्ट इन होते हैं इसके, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें चेंज कहाँ से करेंगे आप इसे, यहाँ से। ये देखें ये वाटरमार्क है, यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ जाएगी मोर वाटरमार्क्स फ्रॉम office.com, या फिर आपने करना है कस्टम वाटरमार्क। ये देखिए ये वाली, यहाँ से आपको ये ऑप्शन नज़र आती जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास, हम यहाँ पे करेंगे वाटरमार्क में जाके कस्टम वाटरमार्क। जब कस्टम वाटरमार्क को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये वाला बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया है। अब वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नो वाटरमार्क या फिर पिक्चर वाटरमार्क। यहाँ से हम कोई सिलेक्ट, जब पिक्चर वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई पिक्चर का भी वाटरमार्क लगा सकते हैं। देन टेक्स्ट वाटरमार्क में हम, अभी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल है तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं इसको कॉन्फिडेंशियल चेंज करके यहाँ से कर देती हूँ मैं लर्न एंड अर्न, ठीक है। देन जब मैं ओके करूँगी तो वो देखिए यहाँ पे ये आ गया वाटरमार्क। तो इस तरीके से आप कोई भी वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है पेज कलर। जब मैं पेज कलर के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखें आपको नीचे मुख्तलिफ किस्म के कलर्स नज़र आ जाएंगे। ये देखें कि आपको मुख्तलिफ किस्म के कलर्स नज़र आ गए। आप यहाँ से अपने पेज को कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ये दे रही हूँ कलर, ये दे रही हूँ, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। यहाँ से पेज को ये देखें इस तरह, ये जो भी आपको सूटेबल लगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारा लर्न एंड अर्न भी आपको प्रोमिनेंट होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से हम अपने पेज को वाटरमार्क भी दे सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आती है नेक्स्ट बॉर्डर। ये देखिए यहाँ पे आपको ये बॉर्डर की, पेज बॉर्डर की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। हम अपने पेज को किसी भी किस्म का बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखें ये पेज बॉर्डर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने ये एक बॉक्स खुल जाएगा। ये देखें ये बॉक्स खुल गया मेरे सामने। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है नन, देन बॉक्सेस, शेडो, 3D। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो पूछेगा हमारे पास स्टाइल, हमने अपनी लाइन को, पेज की जो बॉर्डर की लाइन है उसको क्या स्टाइल देना है। मैं यहाँ पे ये वाला क्लिक करूँगी, जो भी करूँगी। देन फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ठीक है। देन हमारे पास ऑप्शन आता है बॉर्डर्स। यहाँ से हम बॉर्डर की पॉइंटिंग और ये लाइन की जो विड्थ वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम बॉर्डर की शेडिंग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी क्लियर है, सॉलिड, ये मुख्तलिफ किस्म की हैं। जैसे ये होगी तो ये हो जाएगी। देन अब मैं बॉर्डर्स में जाके यहाँ से बॉर्डर की लाइन को कोई भी दे सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। कलर यहाँ पे ये हो जाएगा, कलर में कह देती हूँ मैंने ग्रीन रखना है। उसके बाद पेज बॉर्डर में जाके जब मैं आर्ट, यहाँ पे आप जब पेज बॉर्डर में जाएंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन नज़र आएगी। ये देखें यहाँ पे ये आर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये आर्ट की नज़र आ जाएगी ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे आपको ये आर्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पे आपको ये आर्ट नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। देन जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ
यहाँ से आप कोई भी आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो बना हुआ है, ये देखें, जब मैंने आर्ट के ऊपर सिलेक्ट किया तो ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ आर्ट आ गए। वो हमसे पूछ रहे हैं आपने कौन सा आर्ट सिलेक्ट करना है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये स्टार्स वाला आर्ट सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जब स्टार्स वाला आर्ट सिलेक्ट करूँगी देन होल डॉक्यूमेंट पे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जहाँ पे लाइन थी उसने इसको बॉर्डर दे दिया ऐसा, और ये हमारा जो स्टार वाला बॉर्डर था वो हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया। ये देखिए आपको नज़र आ सकता है, ये देखिए ये ऊपर हमारा स्टार वाला बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो डियर व्यूअर्स, ये था मेरा आज का लेक्चर, छोटा सा था लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इस लेक्चर से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल का नाम है लर्न एंड अर्न, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें। एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, सी या, बाय फॉर नाउ।